वेलकम टू माय चैनल ओए इट्स यमी। तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं त्योहारों के लिए एक झटपट सी मिठाई। हम बना रहे हैं आज पनीर से एक बर्फी बना रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा बट ये पनीर से ही बनी हुई है। तो अगर आपको रेसिपी की जानकारी चाहिए तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहना पड़ेगा। तो चलो हम रेसिपी की शुरुआत करने जाते हैं। सबसे पहले मैंने एक मिक्सर की जार ली है। तो मैंने यहाँ पे लिया है पनीर। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को हम डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर में और इसे अच्छी तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे। हमने ग्राइंड कर लिया है और मैं आपको बताती हूँ कैसा। देखो इस तरीके का पनीर को हमने ग्राइंड किया है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। मैंने अभी इसको गैस पे नहीं रखा है। तो यहाँ पे मैंने ली है चीनी। मैंने यहाँ पे चीनी ली है 5 टेबलस्पून जितनी ली है। 5 टेबलस्पून चीनी ली है। इसमें डाल दिया मैंने इसको। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप जितना दूध, जो रेगुलर दूध हम यूज करते हैं वही लिया है। तो इसमें मैंने डाल दिया है और अभी इसमें डाल देंगे हमने वो जो पनीर पीसा था वो इसमें डाल देंगे। अब पनीर को अब इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से इसे मिक्स करके गैस पे चलाने के लिए रख दिया है और फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम से लो पे ही रखा है। इसे हमें तेज आंच पे नहीं करना है इसे। और बस इसे इस तरीके से हिलाते रहेंगे हम। करीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं हमें और आप देख सकते हो कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो दानेदार दिख रहा है हमारा ये जो पनीर का मिक्सचर है वो। बस इसी तरीके से हमें इसे चलाते रहना है। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके की दानेदार जो हमारी बर्फी है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक कंटेनर में निकाल देंगे सेट होने के लिए। तो मैंने एक कंटेनर लिया है। मैं अब इस कंटेनर में इसे डाल दूंगी। अब इस तरीके से हम इसे प्रेस करके थोड़ा अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। अगर आपको कुछ भी पसंद हो ड्राई फ्रूट में पिस्ता हो या बादाम हो आप इस तरीके से इसे डाल दीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो ये थोड़े से इस पे चिपक के रहेंगे। ये जो हमारी बर्फी है वो सेट हो चुकी है। अब हम इसे अच्छे से पीसेस कर लेंगे। इस तरीके से पहले आप देख सकते हो कि हमारी जो बर्फी है बहुत ही बढ़िया बनी है। तो पहले हम बहुत ही मेहनत करते थे बर्फी के पीछे, घंटों लगा देते थे, हमारे हाथ भी बहुत दर्द करते थे। तो ये 10 मिनट में बन जाने वाली जो बर्फी है मान ही नहीं सकोगे कि ये पनीर से बनी हुई है। आप किसको भी खिलाओ ये कोई बताएगा ही नहीं आपको। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।